नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। मैं महेश रांगेरा। बढ़ते हैं मुख्य समाचारों की ओर। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच जिला प्रशासन ने पूरे जिले में सभी बड़े मंदिरों पर अपनी लगाम लगाते हुए श्रद्धालुओं के आने जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है, और इस तरह से साथ ही निषेधाज्ञा भी लागू हो गई कि धारा 144 के तहत कोई भी दो या तीन के झुंड में खड़ा नहीं रह पाएगा। लेकिन आज जिला मुख्यालय पर जुम्मे की नमाज के दौरान निषेधाज्ञा का जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जिला कलेक्टर चेतन राम देवड़ा ने बताया कि वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू करते हुए धारा 144 लगाई है। इसके साथ ही जिले के सभी प्रमुख दर्शनीय स्थलों के साथ ही मंदिरों को भी भारी भीड़ की संभावनाओं को देखते हुए बंद करने का फैसला किया था। लेकिन आज जिला मुख्यालय पर जब गोल प्याऊ स्थित दरगाह में जुम्मे की नमाज के दौरान सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज पढ़ी, और गौर करने वाली बात यह है कि पूरे नमाज पढ़ने के दौरान पुलिस प्रशासन का जाब्ता भी मौजूद रहा। सर्वोपरि समझे, कृपया पालना करें। सीएम साहब द्वारा भी वीसी में कहा गया है, एसपी साहब कलेक्टर साहब वीसी ले रहे हैं, और सब जगह यही फैसला हुआ है। आप लोग भी देश हित में निर्णय लें। मैं दरगाह कमेटी से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी पालना करें, इन सबको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दें, सबको समझें, इसमें लापरवाही न बरतें। एक व्यक्ति की लापरवाही पूरी देश की लापरवाही है, पूरे देश का नुकसान हो रहा है। आप देश हित में निर्णय लें कृपया।